हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत गर्मी है, उससे थोड़ा ही आराम मिले इसके लिए आमरस का रेसिपी लेके मैं आ गई हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आम को छिलके छिलका हटा लिया है और इसको पानी से धो लेते हैं। साफ़ करने के बाद फटाफट से हम इसको कुकर में डालेंगे। कुकर में हमने डाल दिया है 4 आम जो मैंने लिया है, और उसके साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी। थोड़े से पानी डाल के हमें इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस इसको आम और पानी ऐड करके इसको हम लगा लेते हैं फटाफट से गैस पे सीटी। तो चलिए, जल्दी जल्दी मैंने गैस ऑन कर लिया और गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें जैसे ही 2 से 3 सीटी लगेगी हमारा काम हो जाएगा और हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हो गई सारी सीटी, अब देख लीजिए। और हमने गैस को कर दिया है अब ऑफ़ करके हम इसको रख देंगे साइड में। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद हम इसको खोल के जब ये ठंडा हो जाएगा निकालेंगे। देखिए, मैं आराम से छू पा रही हूँ, मतलब आम जो है ठंडा हो गया है और जैसा पक्का आम होता है उसी रूप में आ चुका है। इसको अच्छे तरीके से हम इसका जो सारा मतलब गुद्दा होता है या आम जो भी इसका पार्ट है वो हम निकाल लेंगे और इससे गुठली को अलग कर देंगे। हमारे पास गुठली का हमें कोई काम नहीं है तो आप उसको फेंक देंगे। इसके सारे जो इसका जो आम का पार्ट है, जो गुद्दा पार्ट है, उसको निकाल के हम ग्राइंडर में हमको ग्राइंड करना है क्योंकि हमें सीरप रेडी करना है ड्रिंक के लिए। तरीके से ग्राइंडर चला लेते हैं, फटाफट से सीरप मोड में आ गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जो ग्राइंड किया है उसको पूरा उड़ेल देंगे। उड़ेलने के बाद में थोड़ा सा पानी से जो हमारे पॉट में क्योंकि गाढ़ा सिरप का लगा है वो डाल के इनको ऐड करना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें गाढ़ा सिरप ही तैयार करना है। तो उसमें हम डाल रहे हैं चीनी। इसमें 2 चम्मच मैं जहाँ 2 कटोरी में छोटी वाली कटोरी से 2 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं सेंधा नमक और काला नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई एक नमक भी डाल सकते हैं। तो और इसके साथ में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर ज़रूर ऐड करें क्योंकि वो जीरा पाउडर जो होता है वो ये जो आमरस है या आम बनने में जीरा पाउडर का बहुत ही यूज़फुल काम करता है। तो गर्मी में जब हम आम पीते हैं तो बहुत सारे जगह पे देखा होगा आपने, घर में एक वो होता है कि रूटीन होता है कि वो आम को बॉयल करके ही पिला देते हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चे और बड़े सभी अच्छे से इंजॉय करके इस ड्रिंक को पिए, तो इसके लिए इस रेसिपी को बना रही हूँ। और हालांकि ये मेरी रेसिपी नहीं है, मेरी एक फ्रेंड कम दीदी है, तो मैं उनके घर पे गई थी तो उन्होंने मुझे पिलाया था, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था मुझे और मेरे बेटे को। तो हमने उनसे रेसिपी पूछा। तो ये देखिए, हम इसको कुक करेंगे 5 से 7 मिनट में। जब थोड़ा सा येलोइश शेड आ जाएगा तो हमारा सिरप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा चलाएंगे हम उसको, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। हमें लगेगा कि ये कढ़ाई में जो सिरप गाढ़ा हो चुका है और भी, और उसके साथ में इसका कलर येलोइश हो गया, तो हम गैस को बंद कर लेंगे। तो जो वो दीदी जिन्होंने मुझे बताया था, उनका नाम है छाया मिश्रा, तो मैंने सोचा चलो ये रेसिपी उनकी है तो उनको क्रेडिट तो जाता ही है, और साथ में मेरे दोस्तों को फ्रेंड को ज़रूर बताना चाहिए कि ये गर्मी में कितना फ़ायदेमंद है। अब इसको ढक के साइड में रख देंगे क्योंकि हमको इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। तो मेरे पास एक ग्लास का जो है स्टोरेज बॉटल था तो साफ़ किया हुआ। अब इसको ठंडा हो गया है, देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था 15-20 मिनट आधे घंटे बाद ढक के छोड़ दिया। अब इसको ग्लास बॉटल में फिल करके हम रख लेंगे, और जब जब कोई धूप से बाहर आए या आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, अचानक से हमको कोई ड्रिंक देना है, हम कोल्ड ड्रिंक ये वो देते हैं, उससे बेटर आप ये एनर्जी ड्रिंक दीजिए। धूप से आने के बाद ना एकदम से ऐसी एनर्जी मिलेगी कि लोगों को लगेगा कि हमने क्या पी लिया है, और लू से भी बचाव होता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है फ्रिज में स्टोर होने के लिए, तो इसको स्टोर करेंगे। अब चलिए बना के दिखाती हूँ मैं इसको कैसे बनाना है। तो ये हमने नींबू एक्स्ट्रा में लिया है और पुदीना पत्ता। आप चाहे तो नींबू को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि आम ऑलरेडी खट्टा है, लेकिन मैंने विटामिन सी का सोर्स और भी जाए इसके लिए नींबू ऐड किया है। तो एक ग्लास में हमको डालना है 2.5 से 3 चम्मच ये सिरप जो हमने रेडी करके रखा था, साथ में नॉर्मल पानी। उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो जो सिरप है वो अच्छे से पानी में डाइल्यूट हो जाए, मिक्स हो जाए, और उसके बाद में ठंडा पानी ऐड करना है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में ना पानी पिया जाता है, अभी के गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी राहत देता है। तो उसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नींबू जो है नींबू का रस निचोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं साथ में पुदीना पत्ता, क्योंकि पुदीना पत्ता से इंस्टेंट रिफ्रेशिंग फील होता है। और हमारा ड्रिंक जो है वो बनके रेडी हो गया है, नींबू की स्लाइसेस के साथ में पीने के लिए तैयार है। आपके घर पे जो भी गेस्ट है उनको पिलाएं, और आपको कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।